यही बंदर के टर्म फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में बनू मरवान बनू हाकिम में और अबी अला के अंदर सही सनद के साथ वफात से चंद दिन पहले एक ख्वाब देखा आपने ख्वाब में देखा कि आपके मेम्बर के ऊपर बनु मरवान बनु हकम के बंदर उछल कूद रहे हैं आपबराकर उठे और हज़रत अब आपको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा आपको यह गम लाक हो गया आपकी वफ़ात के बाद आपकी उमत के ऊपर ये लोग मुसलत हो जाएंगे मंबर पर बैठने का मतलब यह है कि ये हुक्मरान बन जाएंगे और वह बन गए तो उसमें मैंने बनु हकम के बंदरों को बनु मैया बंदरों को अपने मिंबर पर देखा जिसने मेरे ऊपर जान बूझ कर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया अब देखें ये शख्स ये वसल्लम के हदीस के अल्फाज कैसे बदलता है रवायत में इसने कहा इसने दो किताबों से स्कैन लगाए उसका उर्दू तर्जमा भी लगाया मुस्नेदबी आला की मस्तदर के लिए हाकिम की हदीस लगा कर कहता है कि नबीम ने ख्वाब में देखा कि बनु मरवान बनु उमैया जो है वो मम्बरों पर उछल रहे हैं बंदरों की तरह नबीसम ने जब ये देखा कि मेरे मेम्बर पर ये ख्वाब देखा कि मेरे मेबर पर बनु उमैया ये आपने याद रखना है इसने वीडियो में कहा बनु उमैया बनु मरवान मेरे मम्बर पर जो है वो बंदरों की तरह उछल रहे हैं तो उसके बाद अल्लाह के नबी वम को कभी हंसते हुए मुस्कुरा खुल खिलखिला कर मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया आप इसकी वीडियो को रोकें और इसका उर्दू तर्जा पढ़ें क्या कहीं पर इसी के लगाए हुए उर्दू तर्जमा में कहीं पर बनो मैया लिखा हुआ है उमैया बिन अब शम्स की औलाद में से उमैया बिन अब शम्स की औलाद में से अबू सुफियान भी हैंवी रजी अल्ला भी हैं और इसी तरीके से मुआवी रजी तुम के भाई अजीद बन सुफियान ये सब सियाबी ये तीनों ये तीनों सियाबा इनमें से हैं बनैया में से जब आप कहेंगे बनु उमैया तो ये तीन सियाबा इसमें आ जाएंगे इसी तरीके से दूसरी तरफ यानी उमैया बिन अब शम्स की औलाद में से आप जब कहेंगे कि उसमें हकम बिन अबीस भी आ जाएंगे यानी हकम बिन अबी अबी रजी ती सबी हैं यानी जब आप बन उमैया की बात करेंगे आप तर्जुमा बन उमैया करेंगे तो उसके अंदर श्याब कराम आ जाएंगे सबसे पहले यानी बताना ये चाह रहा है कि नबी साविर रजी तबू सुफियान और इसी तरीके से के भाई यजीद बे नबी सफ़ियान क्योंकि उनका नाम भी यजीद है ये बनोमैयानी जितने भी बनोमैया क्या कि इसने इस खन्नास ने धोखा दिया को कि इसके अंदर जो है ये तमाम के तमाम लोग आगे और ये नबी वसलम के मंबर पर उछल कूद करेंगे नबी वसम ने पहले बेन फरमा दिया था अब आप देखें कि यहाँ उर्दू तरजमा जो खुद इसने लगाया है उसके अंदर बनु उमैया नहीं है बनु मरवान नहीं है उसके अंदर बनी हकम है हमें इख्तलाफ बनु मरवान से नहीं है इस जाहिल को यह नहीं मालूम जब बनु मरवान कहेगा जब बनु मरवान कहेगा तो उससे मरवान भी निकल जाएगा इस ज़ईफ़ रवायद के मुताबिक जो है वो ये तर्जमा बनु मरवान भी नहीं बनता लेकिन असल जो इसने तहरीफ की है वो क्या की है बनो उमैया कहा बनो उमैया कहेंगे तो मावी रजी अल्लाह तआला हो उनके वालिद अबू सुफयान और मावी रजी अल्लाह तआला हो के भाई जो है वो यजीद भी उसमें आ जाएंगे बनु उमैया क्या कि ये धोखा दे रहा है कि नबी सल्लम ने हदीस इर्शाद फरमाई मेरे मेंबर पर बंदरों की तरह उछलेंगे इसके अंदर ये सब लोग शामिल हैं ये कराम इसके अंदर शामिल हैं असल तर्जमा जो खुद इसने लगाया अगर वो तर्जमा करता बनी हकम तो उसके अंदर कोई भी स्याबी रसूल जो है वह शामिल नहीं होता क्योंकि हकम रजी तन सियाबी रसूल हैंकम बिन नबी रजी अल्लाह तनों रसूल हैं उनकी औलाद में से मरवान और आगे हकम बिन नबीस रजी त औलाद जो सही तर्जमा बनता था और जो खुद इसने स्कैन में लगाया और वो वो तर्जमा करता तो कोई सहबी उसमें दाखिल होता ही नहीं उस हदीस में किसी सहबी के पर वो हदीस फिट नहीं हो सकती लेकिन इसके दिल को सुकून कहाँ मिलेगा इस खन्नाज के दिल को सुकून तब मिलेगा जब यह हदीस में तहरीफ करते हुए किसी तरीके से मावी रजी तूसरे सहबा को भी उस हदीस में शामिल करे ताकि उनकी तोहिन कर सके बाकी हदीस की सनत कैसी है आज से सदियों पहले जो है इमाम जोर रहमल ने अपनी किताब अबातील तो पहुँचती नहीं यानी उन्होंने इस हदीस को ज़यफ़ करार दिया उसकी आगे वजह भी बयान कर दिया अपनी किताब के अंदर आप ये किताब का स्कैन भी देख सकते हैं आगे वजह भी बयान कर दिया है कि ये हदीस जो है असल में आ, मुस्लिम बिन खालिद अल जनजी की सन से है मुस्लिम बिन खालिदी की सनत से है और वो तो ज़यीफ रहा है इसी तरीके से ये जो इमाम जोजी रह, इबन जोज़ी रहमल्ला ने इबन जोज़ी रह ने भी इस हदीस को इसके मुख्तफ जो संदें हैं उनको जिक्र करके तमाम संदों को ज़ीफ़ करार दिया है कि ये रवायत साबित ही नहीं है यानी मुहदसिन ने इस हदीस को ज़यीफ़ करार दिया है और ये इसको उठाई फिरता है और इसको जो है लोगों के सामने बयान करता है कि ये हदीस बिल्कुल सही है और इसी तरीके से जो है धोखा देता है हदीस का सही और ज़यीफ़ होना अलग बात है लेकिन उस रवायत में जो अगर इसके नज़दीक सही भी है मुहदसिन ने इसको ज़यीफ़ कहा हमने आपको ये स्कैन भी दिखा दी लेकिन उस हदीस में भी तहरीफ करता है अगर वो हदीस सही भी हो जयफ़ भी हो इसके नजदीक लेकिन उसमें तहरीफ करना तो नहीं बनता इसने उस हदीस के अल्फाज बदल दिए बनी हकम से बनो बनोमैया बना दिया ये ऐसा कज़ाब और दर्जा दरजार शख्स है इससे बचकर रहें और अल्लाह इसके शर से तमाम अहला सुनना को महफूज रखें